आज दिनांक 10 अक्टूबर 2024 से 11 अक्टूबर 2024 तक राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर प्रांगण में ब्लॉक स्तरीय एथलीट प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। ये प्रांगण है, आप देख रहे होंगे ये ग्राउंड कितना बड़ा ग्राउंड है और इसमें खेल का आयोजन हो रहा है। और इसमें हमारे उद्घाटन में मुख्य अतिथि हैं श्री वीपी सिंह जी, जो आप जिला शिक्षा अधिकारी टिहरी गढ़वाल हैं और आप यहाँ आए हुए हैं। और ये अभी दौड़ की जो एथलीट है इसमें प्रतिभाग कर रहे हैं। और हमारे इस प्रतिभागियों में जो सुरेंद्र कुमार जी, जो ब्लॉक समन्वयक हैं आप खेल के, और आपके दिशा निर्देशन में जो प्रभारी हैं प्रतियोगिता प्रभारी श्री दाताराम भट्ट जी, और दौड़ प्रभारी श्री सूर्य प्रकाश जोशी जी हैं। और ये दौड़ का आयोजन अभी शुरू होगा और इसमें हमारे मुख्य जो हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय हैं, आपके आदेशानुसार ये बच्चे जो है आपके इंगित जो चिन्हित करेंगे आप, उसके बाद ये दौड़ लगाएंगे बच्चे। तो आप देख रहे होंगे इसमें इस कार्यक्रम में श्री संजीव नेगी जी, श्री हेमराज फरसवाण जी, राजकिशोर लिंगवाल जी, विक्रम भट्ट जी, महेश पालीवाल जी, दीवान सिंह रावत, अनुज कुमार, प्रदीप सिंह जी, धनदेव जी, राजीव गौड़ जी, देवेंद्र सिंह, चंद्रदेव नोटियाल, धीरेन्द्र असवाल और निर्णायक जो क्षेपण है जो इस वर्ग का, उसमें हमारे अध्यापक हैं श्री रिंकी पंवार, संतोष राणा, सुनील शाह, पुष्कर अश्वाल जी, प्रवीण जुयाल जी और सुनील कुकसाल जी आदि जो इस कार्यक्रम में सहयोग करेंगे। और आप देख रहे होंगे अभी दौड़ प्रतियोगिता चल रही है, इसमें ये 4 राउंड लगाएंगे बच्चे इस ग्राउंड का। और इसमें जो विजेता होगा उनको प्रमाण पत्र और जो भी शील्ड दी जाएगी यहाँ पे, और वो ब्लॉक स्तर पे प्रथम और द्वितीय स्थान प्राप्त करने वाले को पुरस्कृत किया जाएगा, उनको प्रमाण पत्र के साथ साथ और प्रतिभाग प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इसके साथ ही इन्हें जिले में प्रतिभाग कराया जाएगा। तो ऐसी व्यवस्था बनी हुई है और हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय के दिशा निर्देशन में आप यहाँ पहुँचे हुए हैं। इसमें अध्यापकों में जो निर्णायक, जो खेलकूद का जो निर्णायक दल है, उसमें पूनम रावत जी हैं, फूल कुमार जी हैं, सुरेंद्र बिजलवाड़ जी हैं, दाताराम भट्ट जी हैं, पंकज गुआड़ी जी हैं और प्रीति रतोड़ी जी हैं, आप इसमें सहयोग करेंगी। अभिलेखीकरण में हमारे राजपाल सिंह राणा जी जो हैं प्रभारी हैं अभिलेखीकरण के। तो ये अभी प्रतियोगिता चल रही है, अभी देख रहे होंगे दौड़ की, ये दौड़ रहे हैं, तीसरा राउंड ये चल रहा है। इसके बाद चौथे राउंड के बाद जो भी बच्चा प्रथम स्थान, द्वितीय स्थान, तृतीय स्थान आएगा उसको पुरस्कृत किया जाएगा। और इसमें अभी जो अभिलेखीकरण में श्रीमती उर्मिला रयाल जी, पयाल जी हैं, दुर्लभ असवाल जी हैं, कमलेश रावत हैं, शशि तिवारी जी हैं, स्नेहलता भट्ट जी हैं, ममता पनौली जी, हेमंत बगुड़ा जी, राकेश उनियाल जी, मोहन राम आर्य, विनोद प्रसाद तबलियाल जी आदि का सहयोग इसमें रहा है। और ये लोग इस एथलीट प्रतियोगिता में सहयोग करेंगे। जो हमारे ब्लॉक के जो शिक्षक हैं और शिक्षा साथी हैं, अभी देखिए बालक जो प्रतियोगिता में जीत करके और विजेता, प्रथम विजेता आया हुआ है, इनको प्रसिद्ध किया जाएगा। और साथ ही हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय जो पूर्व में एथलीट हुए हैं उनमें जो भी विजेता हैं उनको शील्ड पहना रहे हैं, जो ये तृतीय पुरस्कार प्राप्त हैं। अब हमारे महेश पालीवाल जी हैं और आप हमारे समन्वयक, ब्लॉक समन्वयक जो सुरेंद्र कुमार जी हैं, और सर जो है जो द्वितीय विजेता जो बालक है दौड़ में उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। और इसके बाद जो प्रथम पुरस्कार जो जिसने प्राप्त किया है वो राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर से है, तो उसको पुरस्कृत किया जा रहा है। ये तीनों छात्र आपके सामने हैं जो बालक वर्ग में प्रथम, द्वितीय और तृतीय स्थान प्राप्त करने वाले बच्चे हैं, इनको शील्ड और मेडल पहना करके और दे करके इनको सम्मानित किया जा रहा है। आप देख रहे होंगे हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय उपस्थित हैं, हमारे जगरूसन शर्मा जी हैं और हमारे राजकीय इंटर कॉलेज नरेंद्र नगर के प्रधानाचार्य जी हैं। आप हमारे साथ में और भी जो शिक्षक जो इसमें सहयोग किए हैं वो लोग हैं, आप देख रहे होंगे। ये बालिका वर्ग का पुरस्कार दिया जा रहा है, बालिका वर्ग में जो भी विजेता हैं उनको पुरस्कृत किया जा रहा है। हमारे इस कार्यक्रम में जो सहयोगी हैं संजय ममगाई जी, वो भी हमारे बीच उपस्थित हैं। आप ये पुरस्कार दिया जा रहा है बच्चों को जो भी विजेता हैं। और ये खेल प्रतियोगिता बच्चों के प्रोत्साहन से संबंधित हमारे जिला शिक्षा अधिकारी महोदय अनवरत प्रयास करते रहते हैं कि जो भी बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं उनको प्रोत्साहन मिले
और ये खेल कूद को बढ़ावा देने के लिए, शिक्षा को, शैक्षिक उन्नयन को बढ़ावा देने के लिए आप हमेशा तत्पर रहते हैं और जो भी खेल में प्रतिभाग करने वाले सहयोगी अध्यापक हैं उनको प्रोत्साहित करते रहते हैं। कार्यक्रम के पश्चात अब जिला शिक्षा अधिकारी महोदय कार्यालय की तरफ प्रस्थान कर रहे हैं। आपका हार्दिक आभार।